रोहित शर्मा, ये इंडिया के लिए एक ऐसा नाम रहा है जो उम्मीदों से घिरा ही रहता है। अब भारत की कप्तानी करना किसी के लिए भी आसान तो रहा नहीं है और ना ही कभी होगा, लेकिन रोहित की कप्तानी पे कभी भी सवाल या निशान नहीं रहे। लेकिन उनकी बैटिंग T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में काफी लंबे समय से एक चिंता का विषय तो है। अगर मैं 10 साल पहले भी जाऊं तो जहां पूरी दुनिया रोहित के एक दिवसीय दोहरे शतक से गूंज रही थी, वहीं पे 2014 के T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छी अर्धशतकीय शुरुआत के बाद पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के अगेंस्ट मिलाकर भी 100 रन नहीं बनाए। जब वापस 2016 के T20 वर्ल्ड कप में लौटे तो लगा कि होम ग्राउंड में अपने क्राउड के सामने एक शानदार सीजन तो बिताएंगे और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन उम्मीदों से परे बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा। 5 मैचों में केवल 88 रन, 17 की एवरेज और मात्र 107 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। शॉकिंग है ना। फिर से जब एक लंबे अरसे बाद 2021 में कोविड की जंग लड़के T20 वर्ल्ड कप लौटा तो एक मेगा इवेंट की एक्साइटमेंट तो थी ही, पर एक बार फिर रोहित शर्मा ने हम सब फैंस को निराश किया। 5 मैचेस में भले ही 174 रन 151 की स्ट्राइक रेट से बनाए, बट वो परफॉर्मेंसेस स्कॉटलैंड, नमीबिया जैसी टीम्स के सामने आई थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस को मिला के रोहित ने केवल 14 रन बनाए थे, वो भी बस मामूली 100 के स्ट्राइक रेट से। क्या ये अलार्मिंग नहीं था? लेकिन दोबारा विश्वास जता के 2022 के वर्ल्ड कप में रोहित को टीम में जगह और कप्तानी सौंप दी गई। 6 मैचेस में 116 रन 19 की एवरेज से और सिर्फ 106 का स्ट्राइक रेट, क्या कुछ भी जस्टिफाई करता है? और अगर बात करें क्रूशल मैचेस की तो 2014 के फाइनल में 29 में 26, 111 का स्ट्राइक रेट, 2016 के सेमीफाइनल में 31 पे 43, 138 का स्ट्राइक रेट, 2021 के मस्ट विन मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 14 पे 14, 100 का स्ट्राइक रेट, और 2022 के सेमीफाइनल में 28 पे 27, 96 का स्ट्राइक रेट। और अभी तो लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने क्या स्टैट्स है, इस टॉपिक को तो छुआ भी नहीं है। इस साल आईपीएल में 5 बार लेफ्ट आर्म पेसर्स ने उनको आउट किया है और बस 17 का एवरेज रहा है। 2019 से T20 फॉर्मेट में लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट 112 का स्ट्राइक रेट रहा है और हर 8 बॉल में आउट होने का खतरा रहता है। क्या एक ओपनर का अंडर परफॉर्म करना किसी भी टीम में एक्सेप्टेबल है? और ऐसा तो नहीं है ना कि इतने मौके ही नहीं मिले। जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से रोहित शर्मा इज द ओनली कांस्टेंट फॉर इंडिया, और इन स्कोर्स को जस्टिफाई कैसे करोगे? ऐसा तो है नहीं ना कि डेथ ओवर चल रहे थे तो सेट होने का टाइम ही नहीं मिला, या जाके 6 बॉल में 20-22 रन बना दिए तभी इतना लो एवरेज है। टाइम लिया, सेट हुए पर कन्वर्ट नहीं किया, और तब विकेट छोड़ी जब टीम को सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। इसका रिजल्ट हम सेमीफाइनल को ना जीतना जिंक्स मान लेते हैं। जिंक्स कुछ नहीं है, टीम वही जीत रही है जिसके प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं बस। अरे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है ओपनिंग। एक पूरे इनिंग्स का क्या पेस रहेगा, कैसी स्टार्ट देनी है, पावर प्ले को कैपिटलाइज कैसे करना है, इन सब की नींव रखती है ओपनिंग। अगर नींव कमजोर होने लगे ना तो उम्मीदों की इमारत को ढहते वक्त नहीं लगता। और फिर हमने केएल राहुल को भी तो टीम से इसलिए बाहर किया ना क्योंकि वो अच्छे स्ट्राइक रेट से परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे। फिर क्या कैप्टन का साल दर साल अंडर परफॉर्म करना चलता है? और किस बेसिस पे ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर बैठा रखा है? हर साल आईपीएल में 550 से ज्यादा का बल्ला बोलता है, फिर भी टीम इंडिया में उनकी जगह तो गुमनाम है ना। और दिक्कत मिडल ऑर्डर की बाद में टॉप ऑर्डर की पहले आती है। पर अब अगर ये रोहित का आखिरी वर्ल्ड कप है तो हम सिर्फ मुंबई इंडियन के बेस्ट कैप्टन को नहीं, इंडिया के भी वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन को यादगार बनाना चाहते हैं।
और हर बार सिर्फ 2007 के वर्ल्ड कप के जीत के रिकैप को नहीं भैया 2024 के जीत को लाइव जीना चाहते हैं। क्या इस साल रोहित शर्मा इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट ज्ञान को।